तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, जो स्वप्न दोष का है शिकार, लेकिन एक खूबसूरत हसीना का है प्यार, जिसके फेफड़ों में है खराबी और उसकी थूथ है गुलाबी, जिसके मुंह की बदबू से पूरा जमाना हिल ले। तो पेश है आपके सामने 3, 2, 1 पिल्ले। ये पाकिस्तान की एक जानी मानी हस्ती है जो वहाँ पर फेमस है अपनी सूखी हुई आंत और अपने सड़े हुए दांत के लिए। इसके दांतों का तो ये खौफनाक हाल देखकर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बंदा अपने दांतों से गुटखा खाता है या फिर गुटखा इसके दांतों को खा रहा है। नहीं यार, सबसे पहले तो आप में से जो भी पाकिस्तान से है, मुझे बताओ कि आखिर पाकिस्तान में गुटखे के नाम पर ऐसा कौन सा तेजाब बेचा जा रहा है जिसने इसके दांतों का ऐसा हाल कर दिया है। अबे साहब, डंडे के साथ वीडियो बनाए। अबे कौन सा डंडा? डंडा सुन के इसको अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब मदारी इसके डंडा देके इससे करतब कराया करता था। अरे यार गाइस, यार हद तो हो गई यार, कसम से अभी क्या करना है इस डंडे के साथ। डंडे के साथ क्या करूं? वही जो डंडे के साथ पहले क्या करते थे। जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना, उसे मैं पीला दुपट्टा दूंगा। लेकिन बेटे, तू जिस दिन मुझे मिल गया ना, सबसे पहले मैं तुझे कोलगेट और ब्रश दूंगा तेरे इस मुंह को पब्लिक शौचालय से वापस से इंसानी दांत बनाने के लिए। भाई ये तो लैट्रिन साफ करने वाला ब्रश है। हाँ तो किसी आम बुरिस के बस की बात है भी नहीं इसके मुंह की गंद को साफ करना। यही वो इकलौता बुरिस है जो इसके मुंह की सफाई कर सकता है। बात तो सही है। भाई हॉलीवुड की फिल्मों में जो मरे हुए ज़ॉम्बी होते हैं उनके दांतों की कंडीशन भी इससे अच्छी होती है। अगर अपने मुंह पे और शरीर पे थोड़ा सा खून लगा लिए तो किसी आदमखोर से कम ना लगे ये। यार मेरा हर पंच इसके दांतों के ऊपर क्यों आ रहा है? कहीं अगली वीडियो भी इसने ऐसे ना बना दियो जिसको देखकर मुझे दोबारा से इसके दांतों की लूटनी पड़े। चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे, होंठ चूमने वाले तो हजारों मिलेंगे। अबे जैसे तेरे दांतों की कंडीशन है, हजार इंसान तो छोड़, कोई गली का कुत्ता तेरे मुंह ना लगे। लोग कुत्तों को देख के पत्थर उठाते हैं, लेकिन कुत्ते इसको देख के पत्थर उठाते हैं कि साले हमारे होते हुए तूने हमारे इलाके में आने की जरूरत की कैसे। उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते वो नाम बना लेते हैं। भाई ये पहली ऐसी एटीट्यूड वाली रील देखी है मैंने जिसको देखकर मेरी हंसी निकल रही है। खैर मैं बताता हूँ कि चलते फिरते इसका नाम कैसे बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, सोचो आपके मोहल्ले में कोई नशेड़ी पन्नी फूंकते हुए आ जाए और उसको ये सब करता देख आपने लगा दी उसकी मार, तो मोहल्ले के लोग बोलेंगे कि भाई क्या हो रहा है, कौन पिटा कौन पिटा। तभी सबके मुख से आवाज निकलेगी, भाई पिल्ला पिटा पिल्ला। लो बनिया चलते फिरते नाम हमारे पिल्ले का। चुप कर बे कुत्ते। पर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस पिल्ले में इस लड़की ने देखा क्या जो इसकी बंदी बन के बैठ गई है ये। गाइस आप लोग बोलते हो कि तुमने पिल्ले से शादी क्यों की, तो आज मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसकी इनकम, दूसरा इसके दिन कम। ये तो बहुत शातिर लूंडिया निकली भाई। इसको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे सस्ते नशे पिल्ला करता है उसके हिसाब से ज्यादा टिकने वाला तो है नहीं है। तो 2-4 साल इसको झेल लेती हूँ, उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी। यस। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में होगा क्या? शिखर और विमल के 4-4 कट्टे। मेहनत इतनी करो के रिश्तेदार तावीज करने पर मजबूर हो जाए। इसे बहुत जल्दी ये वीडियो बनाने की। वहाँ बेचारा पिल्ला पीछे ढूंढ रहा है कि जूस के साथ खाने को कुछ पुराना बिस्कुट या पेडिग्री मिल जाए, लेकिन नहीं, इसको तो वीडियो बना के फेमस होना है। सर मैं एक जहाज में सफर कर रहा था तो वहाँ मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसको पूछा ना, तुम बॉम्बई में रहती हो, बॉम्ब लग रही हो बॉम्ब। तो वो सामने से मेरे को पता है क्या बोलती है, बोलती है तुम लंदन में रहते हो। अरे तू कहीं भी रहता हो, लेकिन सबसे पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि आखिर तुम दोनों अपने चेहरे पे पुताई कहाँ से करवाते हो? क्योंकि जैसा हुलिया तुम दोनों ने बना रखा है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ने दो दो लेयर की पुट्टी अपने मुंह पे लगा रखी हो। अब किसी पार्लर वाली की बस का तो है नहीं ये सब करना, तो मुझे किसी पुताई का ही काम लग रहा है ये। साला इतना मेकअप तो हमारे यहाँ रामलीला में रावण की सेना का नहीं होता जितना ये दोनों करके बैठे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंदर कूट कूट की खूबियां भरी हुई हैं। एक अच्छा एक्टर होने के साथ साथ ये एक बहुत ही उम्दा फनकार भी है। कसम मोहब्बत बरसा देना तो सावन लाया है। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। इनका ये गाना सुनने के बाद तो अन्नू मलिक भी नंगा होके बोलता, बधाई हो आप मुंबई आने वाली ट्रेन के नीचे आ सकते हो। बाकी आज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही मस्त गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है वन विन। रुको मैं आपको खुद खेल के ही दिखा देता हूँ। 14,000 आ गए, 20,000 आ गए, मैंने डिपॉजिट किए सिर्फ 500 रुपए और मुझे मिले पूरे 25,000 रुपए, 500% का बोनस और सिर्फ 20 मिनट में 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वनविन, जहाँ पर आप अच्छे बोनस से खेल सकते हो। वनविन के पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी है तो ये ट्रस्ट वर्दी है। इसमें फास्ट रजिस्ट्रेशन, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, इंस्टेंट डिपॉजिट के साथ है, तो ट्राई करना तो बनता है। और यहाँ आप अपने अमाउंट को पेटीएम फोन पे किसी से भी डिपॉजिट कर सकते हो। तो जल्दी से पिन कमेंट में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और आप अपने सारे बोनस लो। भाई मेरी पेमेंट तो आ गई है, अब आपका मौका है, इसे छोड़ो मत। Wow.
यहाँ इस वीडियो में हमें इस नर और मादा के जोड़े की वो सारी इच्छाएं दिख रही हैं जो जो इनके दिमाग में चल रही हैं। नर ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके वही चीज बनाई है जो उसका गोल है, क्योंकि उसका गोल तो सिर्फ होल है। अच्छा और रुको भाई, हमारे पिल्ले की एक और खूबी है, एक अच्छा एक्टर अच्छा सिंगर होने के साथ साथ हमारा पिल्ला मोटिवेटर भी है। वक्त लगा लो वक्त बनाने में, खुदा की कसम लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। चुप कर बे कुत्ते। इसकी ये मोटिवेशन सुन के मुझे ये मोटिवेशन मिली कि भाई हमें वो काम कभी नहीं करना चाहिए जिसके लिए हम नहीं बने हैं, क्योंकि अब ये दुनिया भर का कोई भी काम कर ले इसकी सूरत देख के बस हंसी आनी है। मेरा बंदा गैंगस्टर है मेरी जान, मैं उसकी फिगर वाली नहीं जिगर वाली बंदी हूँ। अच्छा जी, चलो देखते हैं आपकी इस बात पर जनता की क्या टिप्पणियाँ हैं। इस गैंगस्टर को तो मैं अपने मूत की धार से मार सकता हूँ। जिगर वाली नहीं, तू बिना दिमाग वाली बंदी है। सच में तू जिगर वाली बंदी है जो इसे प्यार करती है। हाँ भाई, ये बात तो 16 आने सच है कि पिल्ले को प्यार करने के लिए जिगर तो चाहिए, तो भाई जिगर वाली बंदी तो है ये। सर तुम आ गई। मैं आज अपने घर वालों को नहीं बल्कि तुम्हें छोड़ने आई हूँ। तो फिर तुमने मुझे इतने सपने क्यों दिखाए, इतने मेरे से प्यार मोहब्बत के दावे क्यों किए? भाई ये पहला ऐसा इंसान है जिसको रोता हुआ देख मुझे दुख होने के बजाय इसकी सूरत देख के हंसी आ रही है। और ये क्या बोल रहा है, प्यार मोहब्बत में क्या किया? इतने मेरे से प्यार मोहब्बत के दावे क्यों किए? लोग प्यार मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हमारा पिल्ला प्यार मोहब्बत के ढावे करता है। जब गांव देहात में शिक्षा से पहले मोबाइल पहुंच जाए ना, तो यही हाल होता है सेम टू सेम। शहजादा का है मेरा शहजादा, मेरे शहजादे जान को बुलाओ। अरे बहन, अपने सहजादे को बुलाने से पहले किसी एम्बुलेंस को बुला, कहीं सहजादा आते आते हवा में उड़ गया और उसकी दो चार हड्डियां टूट गई तो उसको उठाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत तो पड़ेगी। अब एक लड़का और एक लड़की जो कि कपल है और साथ में टिकटॉक और रील्स बनाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो लोग ब्लॉगिंग की दुनिया में ना कूदे, तो ये जोड़ा भी ब्लॉग्स बनाता है। तो चलो एक बार इनके ब्लॉग्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सो गाइस 3 2 1 पिल्ले हो गया, न्यू ब्लॉग है, फ्रेश ब्लॉग है, मसाले मसाले से तो इसको इतना प्यार है कि इसकी सब्जी में भी मसाला होता है, इसके ब्लॉग्स में भी मसाला होता है और इसके मुंह में तो 24 घंटे मसाला रहता ही है। बता क्या फरमाइश है? अबे कलर करवा लो नहीं करवा लो, मेरे बालों में मुझे नहीं पता, मुझे पूरे फुल बालों में कलर करवाना है। अबे भाई तो दिक्कत किस बात की आ रही है, जिस पेंटर से तुम दोनों अपने मुंह पे पेंट करवाते हो उसी से अपने बालों में भी करवा लेना। मस्त प्लान है। बस भाई, इससे ज्यादा जहर अब मैं और नहीं देख पाऊंगा, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो जाने से पहले वीडियो में एक कमेंट जरूर कर जाना। अब चाहे आप कमेंट में नाइस वीडियो लिखो या फिर कोई दिल फेंक के मारो, बस कमेंट जरूर कर जाना। तो आज हम एम करते हैं पूरे 5,000 कमेंट्स का, बाकी वीडियो लाइक भी कर देना आप लोग। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक? एलेक्स जल्दी से थोड़ा तेजाब लेके आ, मुझे अपनी आंखें सैनिटाइज करनी है। लाया उस्ताद।